और कुछ अनुभव? हाँ, अब अनुभव अनुभव बताइए। तो अनुभव, पहले तो गुरुजी एक डेढ़ महीने पहले के अनुभव हैं जो जिसके लिए आप जो मुख्य रूप से थोड़े, क्योंकि अब तो जो अच्छे अनुभव लगे हैं एक दो बता दूँ। एक तो बहुत ही बड़ा सूर्य दिख रहा था और आगे मेरे आगे जाली दिख रही थी, पर सूर्य सूर्य बहुत बड़ा दिख रहा था, जाली जैसा दिख रहा था, पर सूर्य सूर्य का और आपके बीच में जाली दिख रही थी। हाँ, और सूर्य बहुत ही बड़ा दिख रहा था, मतलब मैं बहुत नज़दीक से सूर्य देख रहा हूँ ऐसा दिख रहा था पूरा। अच्छा अच्छा, अब समझ में आ रहा। अच्छा, ये भी है कि आप नज़दीक से देख रहे थे और बड़ा देख रहे थे, ठीक है। और एक मुझे ध्यान में बहुत ही सफ़ेद एक पाइप दिखी जिसके अंदर से कुछ लिक्विड पदार्थ ऊपर चढ़ रहा था, वो पर्पल, लाइट पर्पल कलर का था और सफ़ेद, एकदम सफ़ेद पाइप थी। एक बार हाथी सूंड से अपने ऊपर पानी गिरा रहा था। और अभी रुको, हाथी का कलर कैसा था जरा याद करके बताएं। ग्रे कलर, जैसा नॉर्मल होता है वैसा। देखो नॉर्मल तो काला काला था। हाँ, काला 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 ही था। हाँ, बहुत ज़्यादा काला नहीं। नहीं, अच्छा, अब थोड़ा फिर हम बारीकी, क्योंकि इसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाएगा थोड़े परिवर्तन से। हाथी बच्चा टाइप का था या युवा या बुढ़ा जैसा? युवा युवा था। युवा था, हृष्ट पृष्ट। हाथी प्रसन्न था या गुस्से में था? नहीं, गुस्से में नहीं था, वो प्रसन्न लग रहा था। हाँ, आराम से सूंड से ऊपर को स्नान कर रहा था। जी हाँ, और आगे। और यहाँ का एक अनुभव आया था, जैसे कल का अनुभव है कि जैसे मुझे बहुत ही तेज प्रकाश दिखाई दिया और मुझे ऐसा लगा कि मैं उड़ रहा हूँ, मेरा शरीर का वजन ही नहीं है, और जैसे वो पक्षी के जो पंख होते हैं वैसे मैं उड़ ही रहा हूँ ऐसा लग रहा था। मुझे लगा शायद आप नज़दीक यहाँ से गुजरे हो ऐसा लगा, पर मैं अपने आप को ऐसे ही महसूस कर रहा था कि मैं उड़ ही रहा हूँ हवा में। और भी एक अनुभव ऐसा आया था कि एक पाइप दिख रही थी, वो काली बिल्कुल नहीं थी, थोड़ा मतलब जाली जैसा था, और मैं उसमें से निकल रहा हूँ, बड़ी तेज गति से निकल रहा हूँ। पाइप खड़ी है? नहीं, सामने दिख रही थी। अच्छा, सामने दिख रही थी। आप उसके अंदर से गुजर रहे हैं? गुजर रहा हूँ, बहुत तेज गति से गुजर रहा हूँ। अच्छा, फिर क्या आगे कुछ प्रकाश दिख रहा या निकल गया आगे? या आप गति ही कर रहे हो? गति मैं कर रहा हूँ। हाँ, बस इतनी। हाँ, आगे आ रहा हूँ। ये आपको अनुभव बहुत अच्छे आ रहे हैं, बस ये इतने ही बताने हैं ना? हाँ। हाँ, अब मैं भूल गया, आपका कंठ चक खुला है? नहीं खुला है। नहीं, कंठ पे किया था शक्तिपात किया था? हाँ, किसने किया था? आपने? मैंने किया था, कंठ पे किया था। कुछ हमें बताएं, याद आ जाए, मतलब किस तरह था? मैंने ऐसे किया था क्या? दोनों हाथ से किया था। तो पहले, अच्छा, मुझे बिल्कुल याद नहीं, तभी। अच्छा, ये बात ऐसे करते होंगे ऐसे ही? हाँ, अभी ऐसा नहीं होता, अभी मैं पूरा, मतलब मेरा सिर एकदम पीछे चला जाता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है। पहले फूला था, फूली थी गर्दन क्या? मेरी गर्दन गर्म रहती है काफ़ी, और यहाँ पे दर्द भी रहता है। अच्छा, कुंडलनी की अनुभूति होती? कुंडलनी तो जागृत है। हाँ, कुंडलनी तो जागृत। हाँ, कहाँ तक महसूस होती है? मुझे पीठ पूरी गर्म लगती है, मतलब कंठ में। ठीक है, जब बहुत समय हो जाता है तो बार बार चढ़ते अनुभूति नहीं होती है, जब शुरुआत होती है कुंडलनी की जागरण की तब चढ़ती हुई महसूस होती है। देखो गर्मी यहाँ तक है, जब बार बार अभ्यास होता फिर बस पता ही नहीं लगता है। देखो ये भी फर्क आ जाता है, क्योंकि शरीर को आदत पड़ जाती चढ़ी, और बस इतना लगता है कि वो क्षेत्र गर्म हो रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव स्वरूप है अग्नि तत्व से संबंधित, इसलिए गर्मी। अच्छा, मैंने तो ये समझा कि शायद आपका कंठ चक्र खुला हुआ। अब प्राणवायु क्या ज़्यादा, मतलब इस जगह क्या गर्दन, हमने गौर नहीं किया, गर्दन क्या फूलती नहीं है क्या?
वो मुझे पता नहीं चलता, पर मतलब मुझे जैसे गर्दन मोटी नहीं होती, मतलब ढेर सारा प्राण भर जाए तो एकदम नहीं फूल जाता, ऐसा ऐसा महसूस होता है, महसूस होता है। और उस समय कुंडलनी क्या कर रही होती है? मतलब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चलता, पर वो गर्म पीठ लगती है। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.